इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सरस्वती जी। सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। किस चीज़ का कारोबार करते हो आप, उत्पाद करते हो? मैं करती हूँ सैनिटरी पैड बनाने का। अच्छा। हमारे यहाँ पे गांव में महिलाएं प्रोडक्ट खरीदती है सैनिटरी पैड का, लेकिन हमारे यहाँ पे जो चलता है ज़्यादातर कॉटन का चलता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आती थी। मैंने एक साल कॉस्मेटिक की शॉप की, तो मैंने कहा जब महिलाएं अच्छा पैसा देती है तो अच्छा मटेरियल भी मिलना चाहिए, माल अच्छा मिलना चाहिए। तो मैंने तब ये सोच के सैनिटरी पैड का अपना काम किया था। उसके बाद मैंने ये इसका प्राइस भी कम रखा है, मार्केट से कम रखा है। और मैं अभी हमने गांव में ही अपने में ही मशीन लगा रखी है, वहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट, मैं अपना कच्चा माल लेके जाती हूँ और वहाँ पे अपने सामने हम लोग बैठ के बनाते हैं और फिर मैं अपने घर पे लाके इसे पैक करती हूँ। और मुझे NGO को से ऑर्डर आते हैं, वहाँ पे मैं सेल करती हूँ, उन्हें ऑर्डर देती, वो मुझे ऑर्डर देते हैं और मैं वो ऑर्डर टाइम से पूरा करके। और ये काम मैंने जो चालू किया था, ये चालू किया था अपने गांव की महिलाओं को रोज़गार देने के लिए, क्योंकि मैं तो खुद ऑलरेडी बैंक सखी हूँ, तो उसमें मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन मेरी सोच है कि मैं अपने साथ साथ अपने गाँव की महिलाओं को ले कर चलूँ, उन्हें रोज़गार मिले, तो इसीलिए मैं उन्हें से पैकिंग कराती हूँ। और उन्हें भी जो मेरा जैसे ही ऑर्डर आता है, जिस तरीके से पैकिंग करते हैं उसी तरीके से हम उन्हें पैसे देते हैं, और एक प्रकार से एक रोज़गार का हम जो कर रहे हैं कि रोज़गार अपनी महिलाओं को दे पा रहे हैं। सर, तो कब से शुरुआत की आपने इसकी? सर मुझे, मैंने इसमें किया था 6 महीने हो गए सर ये करते हुए। 6 महीने से कर रहे हो आप? हाँ जी। तो इसमें किस प्रकार की कपड़े की यूज होती है बनाने के लिए? हम लोग जो बोलते हैं ना जेल पैड। अच्छा सर, इसमें हमारा ये देखिए, इसमें सर एक सीट तो जेल पैड की है जी, और इसमें ना के बराबर हम कॉटन यूज़ करते हैं। और जो ये है, ये सीट भी काफ़ी अच्छी, हर एक पैड में नहीं मिलती है, लेकिन जो हम ये लगाते हैं ये हाई, ये मतलब कि अच्छा वो रहता है। और मैं अपने यहाँ पे पार्लर है, कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, उन पे भी मैं आसपास के कम से कम 30-35 गाँव में ये सेल भी हो रहा है मेरा घर बैठे, क्योंकि मैंने जहाँ भी ऑर्डर कंप्लीट करके दिया, जहाँ भी मैं देख के आई हूँ, उन्होंने एक बार यूज़ करने के बाद बार बार मुझे कांटेक्ट करती है और हमसे बोलती है कि हमें वही माल चाहिए जो आप बना रहे हो, क्योंकि मैंने मार्केट का जो माल देखा है उसमें महंगा भी बहुत है और जितने जिस जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से ही महिलाएँ मुझे कॉन्टैक्ट करती है। सर ये हम लोग घर पे अभी स्टार्टिंग में मैंने कम से कम, अच्छा ये पैकिंग के लिए? जी सर, ये मैं नॉर्मल पन्नी ली थी पोलोथीन, और इस पे मैंने इस तरह का स्टिकर बनवाया अलग से, क्योंकि मैंने ये सोचा कम से कम लागत में मैं अपने गांव की महिलाओं की हेल्प कर सकूं, उन्हें रोजगार दे सकूं, तो ये अलग से मैंने किया है। कनिष्का सैनिटरी पैड के नाम। पैकिंग कैसे की जाती है इसे? सर पैकिंग हम करते हैं, ये स्टिकर हम चिपकाते हैं बैठ के, फिर इसमें हमें ये लिखा हुआ है हमारा 6 पीस का XL साइज है और डबल XL भी आता है सर, तो वो मैं इसमें फिर हम लोग पैकिंग करते हैं, 6 पीस की हम पैकिंग करते हैं। और 50 रुपये मार्केट में है जो नॉर्मल पैड आती है कॉटन वाली पैड, उसका 55 रुपये प्राइस है, मैंने 50 रुपये रखा हुआ है सर। और उसके बाद हम इसमें 6 पीस रखने के बाद में हमारी ये सील्ड मशीन है। अच्छा, इससे हम इन्हें सील्ड करते हैं। अच्छा ये मशीन है? हाँ जी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मशीन है, इसी के द्वारा इसे सील किया जाता है, पैक किया जाता है। तो सरस्वती जी, इसका जो रॉ मटेरियल लाते हो वो आप कहाँ से लाते हो? ये सर मैं दिल्ली से लाती हूँ। अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, हम दोनों कच्चा माल खरीदते हैं अलग अलग से, और फिर हम मशीन पे बनाते बनवा के और तब अपने घर लेके आते हैं सर। इसमें मुझे सुबह से शाम हो जाती है, मैं घर में अकेली हूँ करने वाली, लेकिन ये कि मुझे मेरे हस्बैंड फुल सपोर्ट करते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में माल तैयार करवाते और फिर हम लोग लेके आते हैं सर। तो फिर बेचते कैसे हो इसे आप? सर ये हमारे आसपास में हमें जो जुड़े हुए हैं NRLM स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने हमारे गाँव में 2019 में चलाया था, उसमें सर हम लोग जुड़ते हैं और आसपास की महिलाओं से कम हमें 30-35 गांव की महिलाओं से कांटेक्ट है, वो खुद कॉल करती है, हम अपने ग्रुपों पे शेयर कर देते हैं कि हमने आज अपने गांव में ये काम चालू किया है सर, तो इसमें फिर वो गांव की महिलाएं कांटेक्ट करती है और सर हम उन्हें दे के आते हैं गांव में ही, बाइक से ही डिलीवरी करके आते हैं सर। और NGO से भी कॉन्टैक्ट है सर, हमारे यहाँ पे अंबुजा फाउंडेशन है, उनको मैंने काफ़ी बार ऑर्डर देते हैं, मुझे कभी 50 पैकेट का, कभी 500 का, और एक बार मुझे 5,000 पैकेट का भी ऑर्डर आया था सर हमारे विकास भवन की तरफ से, तो अच्छा काम चल रहा है सर। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जितना हो मैं अपने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकूं और उनको अपने साथ लेके चल सकूं सर। मैं भी नहीं होती हूं, मैं फ़ोन कर देती हूं अपने साथ की महिलाओं को, तो वो पैकिंग करते हैं और माल तैयार भी कर देती है, माल बनाने की वो मेरी जिम्मेदारी है, पैकिंग की उन लोगों की जिम्मेदारी है सर।
अच्छा, अगर आपसे अगर कोई खरीदना चाहे तो अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर जी सकते हो मेरा आप। कॉन्टेक्ट नंबर सर मेरा यहाँ पे भी है, और मेरे जो ये पैकिंग भी है इसमें भी मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर और अपना एड्रेस डाल रखा है, और मेरा सर कॉन्टेक्ट नंबर 9599434130 है सर। जी, धन्यवाद।